Hey, coming, sir. बॉस, हाँ बोलो माजिद। बीबी जाना चाहती है अपने घर वापस। फिर इसके बावजूद वो यहाँ रुकने को तैयार नहीं है और हर सूरत यहाँ से वापस जाना चाहती है। माजिद, सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बेकार कोशिशें करते हो तुम कभी कभी। अगर तुमने ध्यान से उस हटे मेरे रास्ते से। नो 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 मैम, आप ऐसे नहीं जा सकती। कह दिया है ना मैंने, हटे मेरे रास्ते से। काम डाउन प्लीज, ऐसे ना कीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कह दिया है ना मुझे जाना है। अगर आप ऐसे चली गई तो बॉस बहुत गुस्सा करेंगे। आई डोंट केयर। सर क्या हो रहा है? मैं घर जा रही हूँ। अब यही आपका घर है? घर लोगों से बनता है। यस सर। क्या इस घर में ये सब लोग नहीं है? आप तो नहीं है ना? मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे फर्क जरूर पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा रिश्ता उनसे नहीं, आपसे है। यहाँ इस घर में आपके इस मसले के अलावा कोई एक और मसला हो तो मुझे बताएं। मैं आपको बता तो चुकी हूँ मुझे नहीं रहना। क्यों क्यों रहूं मैं यहाँ? मेरी कोई हैसियत है? किसी चीज की तरह लाके आपने बस रख दिया है मुझे। अपने दिल में तो क्या, अपने कमरे तक में जगह नहीं थी। आप ही बताएं क्या फायदा है मेरे यहाँ रहने का। इसलिए प्लीज मुझे जाने दें। कम से कम मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से तो जीऊंगी। आप अपनी मर्जी की जिंदगी यहाँ पे भी आराम से गुजार सकती हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब अपनी मर्जी करनी है तो यहाँ क्यों, वहां क्यों नहीं? मुझे जाने दें। हेलो हेलो आसिफ, कहाँ गायब हो? घर पे। बस मुझे यही पता करना था। ओके अब चले। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बता दिया है ना आपको। क्यों नहीं सुन रहे आप मेरी बात? देखिए आराम से बात कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं आपके गुस्से से नहीं डरती, ओके? और एक बात आप सुन ले, आप मुझे यहाँ लाए थे, मैं इन लोगों के लिए नहीं आई थी, मैं आपके लिए आई थी। ये कौन है मैं इन सबको नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको जानती, इसलिए प्लीज मुझे जाने दे। मैं कह रहा हूँ आप अपने कमरे में जाओ।